दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अब चीन नहीं है बल्कि अपना देश भारत है। इस साल की शुरुआत में ही ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया था कि 2023 में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में होगी और अब इस पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम आंकड़ों ने मुहर लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत में अब चीन की तुलना में 20 लाख से ज्यादा लोग हैं और इस देश की आबादी बढ़ते बढ़ते 140 करोड़ के पार पहुंच गई है। उधर चीन में बच्चे पैदा करने की दर कम हुई है और वो इस साल माइनस में दर्ज की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब भारत की जनसंख्या 1,428.6 मिलियन है जबकि चीन की जनसंख्या 1,425.7 मिलियन है, यानी दोनों की जनसंख्या में 2.9 मिलियन का अंतर हो चुका है। रिपोर्ट में ताज़ा आंकड़े डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या डेटा रिकॉर्ड में ये पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से ज्यादा दर्ज की गई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में खत्म हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी और 1950 संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या डेटा एकत्रित करना और जारी करना शुरू किया था। वहीं UNFPA की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 25% आबादी 0 से 14 आयु वर्ग में है। यहां 10 से 19 साल तक की आयु के लोग 18% हैं, 10 से 24 साल तक के लोग 26% हैं, 15 से 64 साल तक के लोग 68% हैं और 65 से ऊपर के लोग 7% हैं। उधर चीन को देखें तो वहां 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग लगभग 20 करोड़ हो गए हैं। कुछ दशक पहले चीनी सरकार ने एक बच्चे वाली नीति लागू कर दी थी जिसका खामियाजा वहां की सरकार को इस तरह भुगतना पड़ा कि लोगों ने बच्चे पैदा करना ही छोड़ दिया। अब हालात ये हैं कि चीनी सरकार कहती है कि जो जोड़े 2 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। यहां तक कि कई कॉलेजों ने ऐसी घोषणा कर दी कि युवा लड़के लड़कियां कम से कम 15 दिन के स्प्रिंग ब्रेक पर जाएं ताकि प्यार में पढ़ सकें और घर बसाकर बच्चे पैदा कर सकें। इसी साल की शुरुआत में चौंकाने वाली खबर ये भी आई कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर रहा बीजिंग, जो कि चीन की राजधानी है। वहां भी आबादी बढ़ने के बजाय कम हो गई। इसकी एक बड़ी वजह कोरोना महामारी को भी माना जा रहा है।